यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 6 पे बात करेंगे और इस लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है सॉर्टिंग आउट कंप्यूटिंग एज अ प्रोफेशन। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल की डेफिनेशन को देखते रहे। आज हम अपने टॉपिक की तरफ असल में जा रहे हैं कि कंप्यूटिंग, हम कंप्यूटर को एज ए या कंप्यूटिंग को एज ए प्रोफेशनल हमने देखना है, ये प्रोफेशन देखना है तो कैसे। तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट का मतलब है यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि कंप्यूटिंग को किस तरीके से आप एज ए प्रोफेशन कह सकते हैं या ये एज ए प्रोफेशन है भी या नहीं। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट हमारा ये रहेगा। तो एज यूजुअल, जैसे हम पहले भी लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू देखते रहे, तो आज भी हम थोड़ा सा इसका रिव्यू देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफेशन की डेफिनेशन को देखा, उसके बाद हम प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। जैसे अगर हम प्रोफेशन को देखें तो उसमें हमारे पास इस तरह की कुछ डेफिनेशन है कि ये एक कंट्रैक्ट है सोसाइटी के साथ कि आपने कमिट करना है और सोसाइटी के साथ कमिटमेंट करनी है कि आप जो भी काम करेंगे मुआशरे के फायदे के लिए करेंगे, आप कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जो किसी मुआशरे के अगेंस्ट रहेगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास प्रोफेशन और प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। जैसे हमारे पास कुछ बॉडी नॉलेज हमारे पास आया, इसी तरह प्रोफेशन कल्चर आया हमारे पास, ऐसी बहुत सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अगर हम इसकी बॉडी ऑफ नॉलेज को देखें तो कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं प्रोफेशन के लिए कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मुतलका फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज, और ये आपकी काबिलियत होती है, आपके पास इंटरनल जो आपके पास इल्म है, नॉलेज है, ये उसकी बात। आप अगर प्रैक्टिसेस को देखें या आप जो आगे एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं तो ये काबिलियत के बाद ये चीज़ आती है। तो आपके पास नॉलेज है तो देन आप प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं मुतलका फील्ड में और आपके पास एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर पास आपके नॉलेज नहीं है तो देन आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने देखा ये आप अपना ये फातिमा महमूद, आप प्लीज अपना ये माय अपना कैमरा ऑफ कीजिए, ये आपका कैम भी ओपन है। तो ये थी हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपके सामने लाजमी तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपको यहाँ पे लव्स या आपके पास जो कंटेंट्स या डाटा आ रहा है या आपकी ओरिजिनल जो आपकी रिकमेंडेड बुक है वहाँ से आ रहा है। इसके मैं नोट्स मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आप लेना चाहें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज जो है बॉयज उसके सामने चांद फोटो स्टूडियो है, वहाँ से भी आप उसको इसके नोट्स पढ़े हुए वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं। तो बाहर ये आपकी रिकमेंडेड बुक से हैं, यकीनन ये फॉरेन ऑथर की लिखी हुई बुक है और यहाँ पे मुश्किल लफ्ज भी हैं तो आपको थोड़ी समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपको ये पढ़ने हैं, लाजमी तौर पे पढ़ने हैं, इसलिए कि एक तो आपकी ये रिकमेंडेड बुक से हैं, आपका जो पेपर बनेगा, आपके जो क्वेश्चन आएंगे ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आपके आएंगे, हम किसी और बुक को कंसल्ट नहीं कर सकते। दूसरा ये कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें इसी के अंदर रहना है। तीसरी बात ये कि ये मास्टर लेवल की बुक्स हैं तो या आपके कोर्स से रिलेटेड बुक्स हैं तो यहाँ पे कोई लोकल ऑथर ने ऐसी कोई बुक नहीं लिखी हुई कि जिसको हम लें और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखें। और दूसरा ये भी है कि अगर हम कोई लोकल मिल भी जाती है या लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में मिल भी जाती है तो इतनी वसी या ऐसे सारे कंटेंट्स या सब जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हमें यहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए हमें इनको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी चौथी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बीएससी लेवल तक तो लोकल ऑथर मिल जाते हैं, लेकिन आगे एमएससी या पे आगे एमफिल या पीएचडी की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ आपको सिर्फ फॉरेन ऑथर ही आपके सामने आएंगे, कोई आपको लोकल ऑथर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको लाजमी तौर पे इनको पढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी स्टेज पे आपके सामने ये आ जाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से इसको पढ़ें, इनको रीड आउट करें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करें और ताकि आप आगे जब जाएँ तो आपके लिए आसानी रहे। तो ये कुछ चीज़ें आपके लिए लाजमी थी आपको बताना। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटिंग को हम एज ए प्रोफेशन कैसे ले सकते हैं या ये कंप्यूटिंग जो है ये क्या हमारा ये प्रोफेशन है भी नहीं। स्टूडेंट, कंप्यूटिंग की बात करें तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात कही थी कि कंप्यूटिंग जो है ये जितना भी कंप्यूटर पर काम हो रहा है, आपकी डिजाइनिंग का काम हो रहा है, आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, आपकी कैलकुलेशन की जा रही है, आपकी
ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा है, डाटा की ट्रांसफर इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो ये कंप्यूटिंग में आ जाती है, इसलिए ये सारी फील्ड जो है वो कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे हम इसको कंप्यूटिंग को एज अ प्रोफेशन देखेंगे, क्या ये बनता है या नहीं बनता, और अगर है तो किस हद तक ये एज ए प्रोफेशन है। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास ये लफ्ज है, इनको देखते हैं। वी कैन नाउ यूज द पैराडाइम ऑफ द प्रोफेशन टू एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटिंग। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि हम प्रोफेशन का जो ये आता है या नमूना जो है, इसको हम देखें तो क्या उसमें कंप्यूटिंग भी आती है या नहीं आती। द पॉइंट इज टू नोट टू डिसाइड वेदर आर नॉट कंप्यूटिंग इज अ प्रोफेशन। वही बात आ गई कि हम यहाँ पे फैसला करेंगे कि कंप्यूटिंग जो है ये क्या प्रोफेशन है भी या नहीं है, एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट प्रोफेशनल, और ये जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट जितने भी एक्सपर्टीज हमारे सामने हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, क्या ये हम इनको एज ए प्रोफेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हमारे पास यही रहेगा। तो बट रेदर टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटिंग एज एन ऑक्यूपेशनल फील्ड एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ सोशल कंट्रैक्ट मेंबर ऑफ द प्रोफेशन हैव विद सोसाइटी टुडे। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, या उसने ये कहा है कि हम कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करेंगे किस तनाजर में, कि हम देखेंगे कि ये क्या कोई ऑक्यूपेशनल फील्ड रखती हैं, यानी इसमें आपका प्रोफेशनल फील्ड आती है, या फिर हम इस चीज को समझेंगे कि क्या जितने भी प्रोफेशनल हैं उनका सोसाइटी के साथ कोई कंट्रैक्ट चलता है या नहीं चलता, या उन्होंने ये जो कंप्यूटिंग में जितने भी लोग काम करते हैं, ये जो इस फील्ड में काम हो रहा है, ये लोग जितने भी काम कर रहे हैं, क्या वो इस तनाजर में आते हैं या नहीं आते हैं, यानी उनका काम जो है ये सोसाइटी के साथ एज ए कंट्रैक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। स्टूडेंट कंट्रैक्ट पे हमने बात लास्ट टाइम भी बात की कि ये आपकी कमिटमेंट होती है या आपका एग्रीमेंट होता है सोसाइटी के साथ कि हम कोई भी काम करेंगे तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, हमारा वर्क सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, बल्कि सोसाइटी की बेनिफिट के लिए हमारा ये काम रहेगा। तो ये चीज जो है वो आज के लेक्चर में हमारे पास है कि दिस शुड हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट एज वेल ऑन हाउ द फील्ड माइट डेवलप द फ्यूचर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम इस चीज को भी देखेंगे कि अगर हम इस कंप्यूटिंग की फील्ड को लेके चलते हैं, आगे हम इस पे काम करते रहते हैं, तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट करेगी, हमें क्या चीज हमारे सामने आएगी, यानी हम काम तो कर रहे हैं तो हमें इसका क्या रिवार्ड मिलता है, स्पेशली माशरे से हमें उसका क्या रिवार्ड मिलता है, क्या हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये चीज हम इसको देखेंगे। आफ्टर दिस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इस जामे एनालिसिस को जब हम करेंगे, वी विल गो फर्दर एंड डिस्कस डायरेक्शन दैट वी थिंक कंप्यूटिंग शुड टेक। तो फिर जब हम इस पूरे जामे एनालिसिस को कर लेंगे, तजिए को कर लेंगे, जो ऊपर हमने बातें की है उसको देख लेंगे, तो फिर हम फर्दर उस डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे कि हमने कंप्यूटिंग की फील्ड में जिस किस तरफ जाना है, यानी उस डायरेक्शन को हम लेंगे कि कंप्यूटिंग की फील्ड में हमारे पास कौन सी सीमा है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं, इन कंप्यूटिंग की फील्ड में हम किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ जाके हम एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, एंड हाउ कंप्यूटर प्रोफेशनल कैन बी पार्ट ऑफ दैट मोमेंट। और फिर ये जो हमने जाना है कंप्यूटिंग की फील्ड में, तो कंप्यूटर हमारे जो कंप्यूटर है वो प्रोफेशनल की क्या मदद करता है, कैसे प्रोफेशनल को इस मोमेंट में लेके चलता है, तो ये चीजें जो है हम इसको देखें। इन व्हाट फॉलोस, और किस तरीके से चलना है, किस तरीके से चलना है, कैसे ये जो हम एक सिम्मत में जाके काम करेंगे वो किस तरीके से जाके काम करेंगे, ये चीज देखेंगे। देन वी विल आस्क व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटिंग। और फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे कि किसी जो इदारा कंप्यूटिंग को एज ए प्रोफेशनल ले रहा है, एज ए प्रोफेशन ले रहा है, उस इदारे का क्या स्टेटस है इस फील्ड के अंदर, और फिर जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएंगी कंप्यूटिंग के फील्ड में वो कैसी होंगी, उनका स्टेटस क्या होगा। स्टेटस का मतलब है कि आप क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या आप टास्क परफॉर्म करेंगे, इन चीजों का हमें पता चल जाएगा। मजीद यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद आर शुड कम विद बीइंग अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। और अगर आप एज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट कंप्यूटिंग में आते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इन चीजों का हमें पता चल जाएगा। इन द फ्यूचर हाउ आर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक टू चेंज
और फिर आगे चल के आज तुम्हारे हम के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटिंग में, हम ये काम करेंगे, आगे फर्दर आने वाले टाइम में हम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मेरी क्या जिम्मेदारी होंगी, और उन चीज़ों को सारे को हम यहाँ पे स्टूडेंट देखते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमारे सामने रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मास्टरी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, ये मास्टरी ऑफ नॉलेज लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, हम अपनी कंप्यूटिंग को देखेंगे इन्हीं प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम इसको देखें। जो पीछे हमने प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया, तो हम यहाँ कंप्यूटिंग को, इस कंप्यूटर के काम को, इस कंप्यूटर की फील्ड को हम एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशन देखना चाहते हैं, तो फिर हम उन्हीं करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम इस कंप्यूटर कंप्यूटिंग की फील्ड को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मास्टरी ऑफ नॉलेज है। स्टूडेंट, मास्टरी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि आप अपने इल्म में माहिर हैं, आप अपनी काबिलियत में, अपने नॉलेज में, आपके पास जो इल्म है वो आपके पास काफी हद तक आपके पास है, मुतलका फील्ड के हिसाब से जिसमें आप एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो क्या कहता है, ऑल्सो द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल वेरी अ गुड डील। स्टूडेंट, यहाँ वेरी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ होना, किसी चीज से अलहदा अलहदा होना, या ये आगे ये सारी चीजें आ रही हमारे सामने, हम एज अगर कंप्यूटर को प्रोफेशनल देखें, प्रोफेशनलिज्म में हम इसको देखें, ये एज ए प्रोफेशन देखें, तो इसके काम जो है, इसका जो जॉब है, ये मुख्तलिफ है, एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ तरह के काम इसमें आते हैं। इट वुड सीम दैट मोस्ट हु वर्क इन द फील्ड मास्टर आर फेयरली अब्स्ट्रैक्ट एंड एसोट्रिक बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट, दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मैंने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन की थी कि कोई चीज मख्फी होना, कोई चीज छुपी होना, आप अपने अंदर है, आपके अंदर है, यकीनन हर बंदे में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो दूसरे में नहीं होती, इसका मतलब है उसके इंटरनल कोई स्किल्स हैं, कोई उसकी काबिलियत है जो उसके अंदर है, दिस इज द अब्स्ट्रैक्ट। एंड द इसोट्रिक, इसोट्रिक भी इसी मीनिंग्स में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ हम इसोट्रिक एब्स्ट्रैक्ट और इसोट्रिक किसकी बात कर रहे हैं, हम बॉडी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, यानी आपके पास जो आपका इल्म है, मुतलका फील्ड जिसमें आप एज ए प्रोफेशनल आना चाहते हैं, उस फील्ड के हिसाब से आपके पास जो नॉलेज है वो आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, और काफी सारा मास्टरी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, यानी आपके पास काफी सारा नॉलेज होना चाहिए। तो ये चीज, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट डिफरेंशिएट कंप्यूटर एक्सपर्ट, और यही चीज जो है वो आपको मुख्तलिफ कर देती है किन लोगों से, फ्रॉम द यूजर आर दोज हु आर मेरली स्किल्ड एट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क आर अंडरस्टैंड ओनली वन सॉफ्टवेयर सिस्टम। स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है जो उसने बात की है कि कंप्यूटर की जो जो फील्ड है, इसमें इसकी जो जॉब्स है, इसके जो काम है, वो मुख्तलिफ हैं, एक जैसे नहीं है, और कोई बंदा जो ये समझता है कि मुझ में बहुत सारा नॉलेज है तो वो एक इस तरह का एक्सपर्ट है, या सिंपली वो जो दूसरे यूजर हैं जो सिर्फ कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर लें अगर यूजर की, तो बहुत सारे यूजर होते हैं, उनमें एक यूजर स्पेशली हम बात करेंगे, एंड यूजर भी होता है जो सिंपली सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को यूज करता है, उसको वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसके बनी बनाई चीजें उसके सामने आती हैं, वो यूज करता रहता है, हम उस यूजर की बात करें तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, सिंपली वो यूज कर रहा है। या फिर वो लोग जिनके पास किसी खास फील्ड का तल्लक है, किसी खास काम करने का तल्लक है, या सिर्फ वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करना जानते हैं, या सॉफ्टवेयर सिस्टम का तल्लक है, नॉलेज है उनके पास। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, कर ले, जैसे ये बैंक्स होते हैं, वहां पे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, बैंक से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर है, अब उसको बहुत सारे लोग बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन लोगों को एज ए प्रोफेशन नहीं, प्रोफेशनल नहीं कह सकते, सॉरी प्रोफेशनल तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर से उनका लिंक है और एक ही सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, जबकि कंप्यूटर की फील्ड ऐसी नहीं है, इसमें बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी इसमें नॉलेज है। तो कहना वो ये चाहता है कि जो आपकी मास्टरी ऑफ नॉलेज है या इसोट्रिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो इस चीज से कहीं आगे है कि एक बंदा सिर्फ कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है या किसी एक खास सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में वो जानता है, तो इन लोगों से ये चीज बहुत आगे है। नेवरदलेस, बहरहाल यहाँ पे वो कहता है कि सम माइट आर्ग्यू दैट द नॉलेज
कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ड्रा ऑन इज नॉट अ सिंगल। अब यहाँ पे वही बात आ गई कि कोई ये कह सकता है या आर्ग्यू का मतलब ये कि कोई बंदा ये कह सकता है कि जो नॉलेज है कंप्यूटर का वो किसी एक फील्ड का नाम नहीं है। यकीनन नहीं है, यही बात हमारी चल रही है कि वो एक चीज का नाम नहीं है। व्हाट वन नीड टू नो, अब एक बंदे को क्या चीज का पता होना चाहिए टू डू अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एक बंदे को किस चीज का पता होना चाहिए कि वो कह सके कि मैं मेरा ये कंप्यूटिंग जो है ये मेरा प्रोफेशन है, तो उसको किस चीज का पता होना चाहिए। यानी कंप्यूटर तो किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होने का नाम नहीं है। आप कंप्यूटर में तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे फील्ड में आप काम कर सकते हैं, तो फिर किस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए या आपके पास किस तरह का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप एज ए प्रोफेशन हम कहें कि ये कंप्यूटिंग जो है हमारा एज ए प्रोफेशन है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है इज देयर अ कोर बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या कोई एक खास बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हासिल कर लें तो पता चल जाए कि ये कंप्यूटिंग जो है हमारा प्रोफेशन है। दैट यूनिफाइज ऑल कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, जो तमाम कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए वैसे यूनिफाई का मतलब होता है मुख्तलिफ होना, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितने भी कंप्यूटर के प्रोफेशनल उनका पता चले कि ये एक प्रोफेशन में काम है। तो क्या कोई एक खास किस्म का बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कोई एक खास किस्म का नॉलेज तालीम है जिसको हासिल करने से पता चले कि ये जो लोग इस कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं ये प्रोफेशनल है, क्या ऐसा कोई है? कंप्यूटर एक्सपर्ट यूजेस स्किल्स एंड नो हाउ, स्टूडेंट्स कंप्यूटर एक्सपर्ट जो होते हैं ये अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं और नो हाउ और वो जानते होते हैं दैट द डिवेल्प फ्रॉम फिगरिंग आउट हाउ टू डू थिंग्स विद कंप्यूटर, और वो ये चीज भी बनाना जानते हैं कि किस तरीके से आप कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं, वो चीजें जानते होते हैं। यानी यहाँ पे आप डिवेल्पिंग की बात आ गई, एक बंदा अपने आप की स्किल्स को यूज करता है और वो कंप्यूटर से काम करवाना जानता है कि किस तरीके से कंप्यूटर से काम करवाना है। उसी तरह इज दिस मोर लाइक अ क्राफ्ट देन अ साइंस, ये देखिए यहाँ पे क्राफ्ट का मतलब स्टूडेंट दस्तकारी भी है, इसको हाथ से काम करना देन साइंटिस्ट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, क्या ये जो कंप्यूटिंग का काम है क्या ये ऐसे जैसे एक बंदा हाथ से काम करता और एक साइंटिस्ट से तजर्बा कर रहा है, क्या ये ऐसा है? देखते हैं इन क्वेश्चन का हमें क्या आंसर मिलता है। द क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन बहुत अहम है। ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो द पॉइंट, अब यहाँ पे वो कहता है पॉइंट है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल्स एंड यूजिंग नो हाउ इज सिमिलर टू व्हाट इंजीनियर डू। अब यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक पॉइंट वो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपल्स को रूल्स को अप्लाई करें, एक ये चीज, और दूसरा आप ऐसे काम कर रहे हैं इस तरह से काम करें जैसे इंजीनियर्स काम करें, साइंटिस्ट की तरह नहीं, आप इंजीनियर्स की तरह काम कर रहे हैं। यानी दो चीजें हैं, एक आप अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स, दूसरा आप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, कंबाइन करते हैं तो फिर क्या होता है? तो यहाँ पे वो कहता है इट सजेस्ट दैट कंप्यूटर एक्सपर्ट में भी क्लोजर टू द इंजीनियर। तो फिर ये बात हमारे सामने आती है कि जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट लोग हैं वो इंजीनियर्स के ज्यादा नजदीक है, साइंटिस्ट के नजदीक वो साइंसदान नहीं है, वो इंजीनियर्स हैं। तो लिहाजा दैट द कंप्यूटिंग शुड बी क्लासिफाइड एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम फिर इस कंप्यूटिंग की फील्ड को हम क्या नाम दे सकते हैं कि ये एक इंजीनियरिंग की फील्ड है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग में आता है तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग भी उसका प्रोफेशन है। तो लिहाजा ये जो कंप्यूटिंग है अगर एज ए इंजीनियरिंग भी हम इसको ले लें तो ये एक प्रोफेशन बनता है। नेक्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हमने पीछे प्रोफेशन की डेफिनेशन में हमने इस चीज को देखा था कि आप कोई भी प्रोफेशन लेते हैं तो उस प्रोफेशन का किसी ऐसे इदारे के साथ तल्लक होना चाहिए जो तस्दीक शुदा हो, जो मंजूर शुदा हो, जो रजिस्टर्ड हो गवर्नमेंट किसी इदारे से, वो रजिस्टर्ड हो, वो वहां पे मंजूर शुदा हो, उसको
वेरीफाई कर दियो हो, क्लैरिफाई कर दियो हो, किसी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने उसको क्लैरिफाई कर दियो, उसको जस्टिफाई कर दियो, तो ये ऐसे इदारे जो होते हैं ये हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और प्रोफेशन का तल्लक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए, यानी रिकमेंडेड या तस्दीक शुदा इदारे के साथ प्रोफेशन का तल्लक होता है। तो यहाँ पे हम भी देखते हैं, क्या ये कंप्यूटिंग का काम जो है, क्या इसके लिए कोई ऐसा इदारा है जिसमें जिसके साथ इसका तल्लक हो, क्या इसके लिए कंप्यूटिंग के लिए भी कोई ऐसा इदारा है? आइए स्टूडेंट देखते, नो सिंगल प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन इन कंपासिंग ऑल कंप्यूटिंग एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहता है कि कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी नहीं है जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के लिए हो। इनकम्पास का मतलब होता आहाता ना, आहाता, और इनकम्पासिंग का मतलब ये स्टूडेंट कि जो अपने अंदर किसी चीज को रखे, जिसने किसी चीज को अपने हसार में लिया हो। तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि अगर हम एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट आर इंटरनेशनल, कि क्या यूनाइटेड, ये चूंकि बुक जो है आथर का तल्लक यूनाइटेड स्टेट से, लिहाजा उसने अपने ही कंट्री का नाम दिया और इंटरनेशनल भी बात की है, कि वो ये कहता है कि ऐसा कोई एक सिंगल इदारा नहीं है, प्रोफेशनल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कंप्यूटिंग एक्सपर्ट के लिए हो। फिर इन नो कंट्री डू ऑल कंप्यूटर एक्सपर्ट बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, और किसी एक कंट्री में जितने भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट लोग हैं वो किसी एक ही कंट्री में नहीं पाए जाते होंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज में पाए जाते हैं। एंड नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एडमिशन टू द फील्ड, और कोई एक इदारा ऐसा नहीं है कि इस कंप्यूटिंग की फील्ड में कोई बंदा आना चाहे तो उसको वो कंट्रोल करे, नहीं, बहुत सारी चीजें। इंस्टेड देयर आर वैरायटी ऑफ अ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कि आपके पास बहुत सारी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं जो कंप्यूटिंग के लिए काम करें, जैसे यहाँ पे उन्होंने बात की है एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, यहाँ पे ये एक एसोसिएशन है, एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इस तरह हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सोसाइटी है, इस तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन गिल्ड है। स्टूडेंट्स ये गिल्ड जो है ये वैसे तो हम इसको कहते हैं क्लब को भी कह देते हैं, या आप ये कह लें कि कुछ लोगों का एक ग्रुप है उसको भी गिल्ड का नाम दो, एंड मोर, और बहुत सारी ऐसी चीजें। यहाँ पे दो स्पेशली उन्होंने बात की हुई है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ACM है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी, ये भी एक इदारा है जो कोई बंदा कंप्यूटिंग को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहेगा तो यहाँ से उसको सर्टिफिकेट भी चाहिए और वो इनके रूल्स के हिसाब से काम करे। इस तरह एक और यहाँ पे एसोसिएशन है IEEE इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर सोसाइटी, तो ये भी एक इदारा है, ये भी कंप्यूटर्स की फील्ड में जितने प्रोफेशनल आते हैं उनको कंट्रोल कर, और सिर्फ यहाँ पे ये स्टूडेंट्स इनको लाइसेंसिंग जारी नहीं किए जाते, बल्कि किसी बंदे की किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस तरफ भी ये उनकी रहनमाई करते हैं। Are the two of the largest and perhaps most influential of the organization in the United States. यहाँ पे वो कहता है कि ये सबसे बड़ी है, और influential का मतलब ये स्टूडेंट की असर रखती है, मतलब ऐसे नहीं है कि इसकी तरफ आप इससे रूगर्दानी कर लें, आप इस तरफ तवज्जो ही ना दें और आप कहें कि हम कंप्यूटर प्रोफेशनल, ऐसा नहीं है। वहाँ यूनाइटेड स्टेट में इनकी तरफ से बकायदा लाइसेंसेस भी होती है और यहाँ पे सीखा भी जाता है, और ये फ्री जा के आप एज ए प्रोफेशनल काम कर सकते। बोथ ऑर्गेनाइजेशन हैव सिंस देयर ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेंडेड देयर मेंबरशिप टू द टू इंक्लूड दोज आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये इनके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो एज ए प्रोफेशनल आते हैं, तो ये सिर्फ उसी यूनाइटेड स्टेट में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अब इसका जो है वो काम चल रहा है, वहां से भी मेंबर्स इसके पास आ। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि जो कंप्यूटिंग है इसके लिए भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास, यानी हमारे पास इदारे हैं जिसके जरिए से ये जितने भी लोग प्रोफेशनल कंप्यूटिंग के प्रोफेशन में आएंगे तो यहाँ उनके पास ये इदारे हैं, इनके हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। ऑटोनोमी, स्टूडेंट्स
हम ये पीछे भी इसको देख चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं कि फैसला करने की ताकत, इख्तियार होना, फैसला करने का इख्तियार होना। जब भी किसी भी दायरे में जब काम होते हैं तो दो तरह के लोग मिलते हैं, एक तो वो जो फैसला सुन के काम कर रहे होते हैं और एक फैसला कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे थे, कुछ फैसले सुना ऑर्डर कर रहे होते हैं और वो लोग उसको ऑर्डर को लेके आगे काम कर रहे। तो यहाँ ऑटोनॉमी जो है इसका मतलब भी यही है कि आप एज ए प्रोफेशन आ रहे हैं, सॉरी एज ए प्रोफेशनल किसी प्रोफेशन में आप आ रहे हैं तो आपके पास ये इख्तियार होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करने वाले भी, इनके पास भी कोई इख्तियार हैं कि नहीं। वाइल परफॉर्मिंग वर्क कंप्यूटर एक्सपर्ट हैव वेरिंग डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी डिपेंडिंग ऑन वेयर दे वर्क एंड वट पोजिशन दे हैव इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। स्टूडेंट यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी लोग इस कंप्यूटिंग के फील्ड में काम करते हैं तो उनकी जो ऑटोनॉमी है उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, मुख्तलिफ लेवल पे उनके ये इख्तियार होते हैं और ये स्पेशली डिपेंड करता है उनकी पोजिशन पे जो वो उस इदारे की हायरार्की में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हायरार्की मतलब हम देखें तो ये शजरा नसब होता है, ये एक लेवल जो चलता है, आपकी ट्रीज चलती है, जैसे दादा फिर बाप फिर बेटा सोन, ये एक ट्री चल रही है तो ये इसको हायरार्की नाम दे। इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लेवल के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जैसे अकाउंटेंट है फिर आगे किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है या कोई वैसे मैनेजर इस तरह चेयरमैन है, तो ये एक हायरार्की सो ऑन। तो ये कंप्यूटिंग की जो फील्ड है इसमें भी ऑटोनॉमी है और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी वो पोजीशन के हिसाब से उनके पास पावर होती है और वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरा वर्क इन द प्राइवेट प्रैक्टिस, अगर कोई एज ए प्राइवेट काम कर रहा है बाई ऑनिंग देयर ऑन कंप्यूटर आर कंसल्टिंग फिर्म, या उसने अपनी कोई कंप्यूटर सॉरी कंपनीज अपनी कंपनी बनाई हुई है या एज ए कंसल्टिंग फिर्म बनाई हुई है दूसरों के साथ मिलकर उसने काम करना है, तो फिर हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी देन दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड टेक ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर। तो फिर ये जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, ये जिनकी अपनी कंपनीज हैं, ये जो दूसरों के साथ एज ए मुशावरत के तौर पे काम कर रहे थे, तो उनके पास ये ज्यादा इख्तियार होते थे बनिस्बत उन बंदों के जो किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, ऑर्डर ले रहे हैं और काम कर, अपने सुपीरियर से ऑर्डर लेते हैं और उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी निस्बत जो लोग ज्यादा जिन्होंने अपनी प्राइवेट वर्क शुरू किया हुआ है कंप्यूटिंग में, अपनी कंपनीज बनाई हुई, उनके पास ये इख्तियार ज्यादा। सिमिलरली दोज हु हैव वर्क देयर वे अप टू द ऑर्गेनाइजेशन लीडर इन द कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट एजेंसीज। अब इसी तरह वो यहाँ पे कहता है कि वो लोग जिन्होंने काम किया था किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल लीडर में, यहाँ स्टूडेंट्स लीडर की बात करें तो इस लीडर का मतलब है सीनियर, तो कॉर्पोरेट का मतलब तावन करना। अब इसी तरह वो बंदे जिन्होंने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम किया होता है, ये किसी गवर्नमेंट एजेंसीज में काम किया होता है एंड आर नाउ इन अ सुपरवाइजरी रोल हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे वो कहता है और उन लोगों को जिन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम किया या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज में काम किया, तो उनको अब एज एक सुपरवाइजरी के तौर पर उनको रोल मिला हुआ है, वो अब सुपरवियन कर रहे हैं जो, यानी उनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, वो उनके काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों के पास ज्यादा अख्तियार होते हैं बनिस्बत उनके हु आर न्यूली हायर्ड एंड लोअर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उन लोगों की निस्बत जो नए कंपनी में आए हैं और काम कर रहे हैं उनकी निस्बत, या वो निचले लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर उनकी निस्बत जो लोग सुपीरियर बैठे ऊपर बैठे हैं सुपरवियन में आए हुए हैं उनके पास ज्यादा इख्तियार है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी ये कंप्यूटर की जो फील्ड है या कंप्यूटिंग जो है ये हमारा एक प्रोफेशन कहलाता है। समटाइम सिमिलर मस्ट बी सेड अबाउट कंप्यूटर एक्सपर्ट कलेक्टिव, तो ऐसी ही बात हम कंप्यूटर के बारे में भी कह सकते हैं। ऑल्दो दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब चूंकि एक बंदा जो है वो किसी, अब ये कंप्यूटर में भी है अब बल्कि हर जगह है कि एक बंदा जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं डीपीएस में भी मेरे लेक्चर हैं और यहाँ सुपीरियर कॉलेज में भी मेरे लेक्चर हैं, तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन से मेरा तल्लक नहीं, बहुत दो ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ
तो ये कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं, ये ऐसे करते हैं। द एसोसिएशन हैव अ लिमिटेड पावर। अब एसोसिएशन जो होती है उनकी पावर भी लिमिट होती है। दे हैव द पावर टू ऑर्गेनाइज अरेंज मीटिंग्स। वो क्या उनके पास क्या करते हैं, मीटिंग्स को अरेंज करते हैं, प्रोमल्गेट कोड ऑफ कंडक्ट। स्टूडेंट प्रोमल्गेट का मतलब ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो रूल्स हैं, एथिक्स जो आपने बनाए हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो रूल्स बनाए हुए हैं वो लागू करने हैं, अप्लाई करने हैं। जितने भी लोग आ रहे हैं उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाते हैं। कोई भी बंदा जिस एसोसिएशन में जाएगा, जिस इदारे में जाएगा, उस इदारे का रूल उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। एंड स्पीक आउट, बट दीज आर ऑल प्रिविलेज। अच्छा, स्पीक आउट का मतलब ये, बाज लोगों को ये रूल्स नहीं भी पसंद होते, वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी दीज आर द प्रिविलेजेस। लेकिन ये फिर रूल्स हैं, ये रूल्स हैं, इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। द राइट टू एसोसिएशन, ऐसे जैसे आपकी इदारा कहता है ऐसे ही, दैट एनी ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल हैज इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं इन इदारों में, जाते हैं इन एसोसिएशन में जाते हैं, वो बिल आखिर एक जमहूरी मुआशरे का हिस्सा होते हैं, वो उस हिस्से में से उठ के आए होते हैं, एक उसी सोसाइटी से आए होते हैं, और इसलिए उनको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात की है, द कंट्रोल दैट एबीटी हैज ओवर द एक्रेडिटेशन प्रोसेस इज परहैप्स द मोस्ट कलेक्टिव पावर दैट एनी ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन द यूनाइटेड स्टेट्स। स्टूडेंट्स, एबीटी ये एक एग्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक बोर्ड है स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का। इसके हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। अगेन रिपीट करता हूँ, एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा बोर्ड है, ऐसी इदारा है जिसके हिसाब से कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, जिसके हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, ताकि ये स्टूडेंट्स आगे फर्दर जाके किसी भी प्रोफेशन में जाएं, एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहें, तो उनके पास और वो ऑलरेडी सीख चुके हों कि हमने किस तरीके से, किन बाउंड्री से में रहते हुए हमने काम करना। ये एक इदारा है, तो इसकी बकायदा प्रोसेस है और इन प्रोसेस के जरिए से ही ट्रेन किया जाता है, और ये स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो इसको अप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स के जो कंप्यूटिंग है इसमें भी ऑटोनोमी पाई जाती है, इस तरीके से भी ये एक प्रोफेशन। कोड ऑफ एथिक्स, स्टूडेंट्स कोड ऑफ एथिक्स पे हम काफी सारा बात कर चुके हैं, काफी इस पे हमारे लेक्चर पीछे भी चलते रहे हैं। ये रूल्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, आप किस प्रोफेशन में किस तरीके से आपने काम करना है, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि ये माशरे के साथ आपकी कमिटमेंट है, माशरे के साथ आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमारा जो भी काम आएगा इस हिसाब से ही आएगा, आपके अगेंस्ट नहीं होगा, आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट नहीं काम करेंगे, आपके वर्क से, आपके किसी एक्शन से किसी इंडिविजुअल को भी इवन नुकसान नहीं होगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं होंगे। दीज आर द कोड ऑफ एथिक्स। तो यहाँ क्या कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे एथिक्स पाए जाते हैं, ऐसे कोड्स हैं जिसके हिसाब से हम कहें कि ये जो कंप्यूटिंग है ये भी एक प्रोफेशन। तो आइए स्टूडेंट्स को भी देखते हैं यहाँ पे वो क्या है। ऑल्सो देयर इज नो सिंगल कोड ऑफ एथिक्स बाइंडिंग ऑन द कंप्यूटर प्रोफेशनल। यहाँ पे स्टूडेंट्स बाइंडिंग का मतलब पाबंद होना, तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल कोड नहीं है कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स के लिए जिसके वो पाबंद हो, यानी कोई एक ही कोड नहीं है, बहुत सारे कोड्स बनते हैं। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। स्टूडेंट्स, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली जो कंप्यूटर के फील्ड में काम कर रही है, वो कोड्स को, वो इन एथिक्स को अडॉप्ट किया हुआ है और इनके और इनको अप्लाई किया हुआ है, अपने जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनके ऊपर उनको अप्लाई किया हुआ है
एंड मैनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज कोर्स आर क्वाइट सिमिलर, और ये बहुत सारे जो ये कोड बनाए हुए हैं एथिक्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने ये तकरीबन एक बेस। ऑन द अदर हैंड कोड ऑफ एथिक्स आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोफेशनलाइजेशन, के यहाँ पे वो कह रहा है कि ये कोड ऑफ एथिक्स जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इदारे में, या अगर हम प्रोफेशनलाइजेशन को देखें यानी जहाँ आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वहां पे हम देखें, तो ये एक अहम हिस्सा है, ये एक अहम कंपोनेंट है कोड ऑफ एथिक्स, ये बहुत अहम है, प्रोफेशनलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है ये कोड ऑफ एथिक्स जो है, ये प्रोफेशनलाइजेशन का अहम हिस्सा है। एंड दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट अ प्रोफेशनल ग्रुप मेक विद सोसाइटी। कोई बात आ गई कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं ये एक तो प्रोफेशनलाइजेशन का हिस्सा है, और दूसरा आपने जो सोसाइटी के साथ आपने कंटेक्ट किया हुआ है उसको समझने के लिए अहम है कि आपका कंटेक्ट क्या है, आपने सोसाइटी के साथ किस तरीके से चलना है, आपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए क्या काम करना है, इस चीज को समझने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड ऑल्सो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि ये चूंकि बहुत अहम है कोड ऑफ कंडक्ट अलॉन आर नॉट द बी ऑल एंड ऑल, तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके सिर्फ ये कोड ऑफ एथिक्स जो है अकेले हम ये कहें कि यही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में ये कोड ऑफ एथिक्स ही सब कुछ नहीं। कैसे? दैट इज एन ऑक्यूपेशन दैट एस्पायर टू बी अ प्रोफेशन कैन नॉट सिंपली अडॉप्ट अ कोड ऑफ एथिक्स, कि आप कि कोई भी बंदा ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि प्रोफेशन में आए, तो फिर वो यही सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स को ही अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ इसी को अप्लाई नहीं करेगा, एंड लीव इट एट दैट कोड ऑफ एथिक्स आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स कि वो ये कह सकता है कि वो सिर्फ इसी चीज को अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ये कहता है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए, बहुत सारी फील्ड्स में तल्लुकात बनाने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, आप पब्लिक के साथ बना रहे हैं, आप वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं, आप सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये इन तमाम चीजों के साथ रिलेशनशिप बनाने का नाम है, सिर्फ इनको अप्लाई नहीं करना, मीन इनको सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने इनसे आगे भी काम करना है, इनसे आगे भी चलना है। टू बी इफेक्टिव कोड ऑफ एथिक्स मे बी पार्ट ऑफ द लार्ज स्ट्रेटजी दैट एड्रेसेस ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये एक स्ट्रेटजी का, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, जिससे आपको प्रोफेशनल प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाए। तो बहरहाल स्टूडेंट्स ये कोड ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर के फील्ड में भी इनको अडॉप्ट किया जा रहा है, इनके हिसाब से काम चल रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज नहीं बना सकते जो माशरे के खिलाफ, कोई आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो किसी लॉ के खिलाफ, बहुत सारे कॉपीराइट्स ला चल रही है, इवन आप एक सिंगल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो कहता इसके एथिक्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी कोड ऑफ एथिक्स के बारे में ही बात है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स स्पेशली कंप्यूटर के फील्ड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ है,
कि हमारे पास जैसे इन 1992 एसीएम कोड ऑफ एथिक्स जो है ये डेवलप किए गए, और ये एसीएम हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि ये आपकी एसोसिएशन 1992 में ये एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी ये इस इदारे ने कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किए। इसलिए कि कोई भी बंदा कंप्यूटिंग की फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आना चाहेगा तो किन रूल्स को वो फॉलो करे। बकायदा स्टूडेंट्स के रूल्स हैं, जैसे आप इखलाकियात के हवाले से है, आपके काम के हवाले से है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते जो दूसरों को हर्ट करे। ये एक पूरी डिटेल है, एक पूरी तफसील है, इनके ये एथिक्स हैं, इनके ये रूल्स हैं, जो कोई भी बंदा इस फील्ड में आएगा वो उसके हिसाब से काम करे। और बकायदा ये लाइसेंस जारी करे कि ये बंदा कंप्यूटिंग की फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आ रहा है, इसके पास ये लाइसेंस। और ये बेस्ट डिसीजन लेते हैं कि किसी बंदे ने किस फील्ड में बेहतर तरीके से काम करना है या कर सकता है, ये उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और देन उसके लिए डिसाइड करते हैं कि आप किस फील्ड में बेहतर काम कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये स्पेशली आपकी कंप्यूटर की फील्ड के लिए बनाई गई, यानी आप कंप्यूटिंग में आके काम करना चाहते हैं तो ये आपके पास फील्ड्स है। या उन्होंने यानी कवर भी है कि स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट एवरी एसीएम मेंबर विल डू, या इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं बकायदा मेंशन की गई है कि एसीएम के मेंबर, अब मेंबर कौन है जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन इस एसोसिएशन में आ रहा है एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहता है, उसका मेंबर है, तो इसके लिए स्टेटमेंट्स मेंशन है कि उसने इस तरीके से काम करना है। And the second part consists of the guideline that provide much more detail about the meanings of the each short statement. और उसके अंदर मजीद अब जहाँ सिर्फ ये बात नहीं कि एक छोटी छोटी सी लाइनें लिख दी गई, नहीं आगे उनको डिटेल के साथ मैंशन किया गया है कि आपने किस तरीके से काम करना है। इस तरह द लेटर ACF IEEE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड हैज अ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है with the short version of that that is concise and aspirational and long version that is more concrete and detailed. So yahan pe ye ek aur idara aaya jisne badi tafseel ke sath in code of ethics ko mention kiya hua. To ye idare yahan pe hain students, aise nahi hai ki computing jo hai uske liye koi rules nahi hai, uske liye koi idara nahi hai, उसके लिए बकायदा ये एसोसिएशन हैं, इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी कंप्यूटिंग जो है ये भी एक प्रोफेशन है। इसको देखते हैं हमारे द कल्चर ऑफ द कंप्यूटिंग। स्टूडेंट क्या कंप्यूटिंग के लिए कोई कल्चर भी है? अच्छा, ये कल्चर हम कहते हैं सकाफत को। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, जिस इलाके में भी रह रहे हैं, ये हमारे रस्म व रिवाज है, हम उसी के हिसाब से रहते हैं। हमारा पहनना, हमारा जितने भी सेरेमनीज होते हैं, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं, हमारी उन्हीं रस्म व रिवाज के हिसाब से होते हैं, हमारे लिबास से, हमारे बोलने से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारा जो काम हम करते हैं वो सारे इस चीज़ से रिलेटेड, इसी कल्चर से रिलेटेड है। तो क्या कंप्यूटरिंग का भी कोई कल्चर है? यानी प्रोफेशन का तल्लक कल्चर और कल्चर के साथ भी होता है, यानी वहाँ पर कोई एक माहौल होना चाहिए, एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए जहाँ पे वो काम हो सके। तो प्रोफेशन का कल्चर के साथ भी तल्लक है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या यार कंप्यूटिंग का भी कोई कल्चर है, तो देखते हैं। इट इज हार्ड टू से वेदर कंप्यूटिंग हैज अ डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल कल्चर। अब यहाँ पे वो कहता है कि हम अगर ये कहें कि कंप्यूटिंग के लिए कोई मुख्तलिफ कल्चर है तो ये जरा वो कहता है थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। द कल्चर ऑफ द प्रोफेशन हैज टू डू विद व्हाट इज इम्प्लिसिटली वैल्यूज एंड टास्क। स्टूडेंट इम्प्लिसिटली वाजे तौर पे के जो कल्चर है, किसी भी प्रोफेशन का जो कल्चर होता है उसमें ये होता है कि आप वाजे तौर पे आपके पास वैल्यूज होती हैं और जो आपने काम करने होते हैं वो आपके रूटीन वाइज होते हैं या वो वाजे होते हैं। यानी आप जो अगर हम माशरे की बात करें, प्रोफेशनल कल्चर की बात करें, तो जो काम होना है और वहां पे जो वैल्यूज होती हैं वो वाजे तौर पे होती हैं। पता होता है कि ये इस चीज का, जैसे ये पंजाबी कल्चर है, यहाँ पता है लोग ये जबान बोलते हैं, इनका लिबास ऐसा है, ये रहन सहन इस तरह का है, वो उनको वाजे पता होता है।
अब ये जो प्रोफेशनल कल्चर है या प्रोफेशन का जो कल्चर है उसकी भी वाजिब वैल्यूज होती हैं और रूटीन टास्क होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो प्रोफेशन नहीं है। तो अब बिकॉज कंप्यूटर प्रोफेशनल कवर्स टू से आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। अब वो ये कहता है कि कंप्यूटर का चूंकि एक अलहदा से काम होता है, इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज कल्चर एस्पेक्ट। तो यहाँ पे वो कहता है कि फिर हमें इसके कल्चर एस्पेक्ट को भी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। सम वर्ड से दैट द कल्चर इज डेफिनेटली मेल। यहाँ पे वो कह रहा है कि कल्चर जो है वो इसकी कुछ वैल्यूज है वो मेल की तरफ चले जाते हैं। बिकॉज रिलेटिवली फ्यू वुमेन्स आर मेजरिंग आर डूइंग ग्रेजुएट वर्क इन द कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो कंप्यूटिंग का काम है सिर्फ इसको मेल ही करते हैं, लेकिन नहीं, वुमेन्स भी कर रही हैं, औरतें भी कर रही हैं और काफी सारे काम कर रही हैं। एंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ऑफ हैकिंग सीम टू कैरी ओवर आर कंप्यूटिंग व्हेन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आर स्टीरियोटाइप्ड एज इंडिविजुअल हु आर ग्लूड ग्लूड टू देयर कंप्यूटर। स्टूडेंट यहाँ पे दो तीन लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगेन रिपीट करता हूँ मैं। एंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर ऑफ द हैकिंग सीन्स। अब यहाँ हैकिंग का लफ्ज आ गया आपका, तो जैसे लोग हैकिंग भी कर रहे हैं, हैक कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को, चुरा लेते हैं या किसी का काम चल रहा है उसको रोक देते हैं अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपने इल्म के साथ या अपनी महारत के जरिए से डिस्टर्बिंग डाल देते हैं, इंटरप्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे इंटर होके अपना उनके काम को खलल डाल देते हैं। तो ये सारा काम हैकिंग है। अब यहाँ ये भी हो रहा है कंप्यूटर, व्हेन कंप्यूटर एक्सपर्ट्स आर स्टीरियोटाइप। अब जो स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है द किया नोसी, यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, आम होना लेकिन फिक्स्ड होना। स्टीरियोटाइप किसी चीज का आम होना, ज्यादा होना लेकिन फिक्स्ड होना। कि वो मुआशरे में अगर हम देखें तो जैसे बहुत सारी बातें जो है वो फैली हुई हैं लेकिन वो फिक्स्ड है, वो एक हद के अंदर है, वो बाहर नहीं निकल सकते, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। अब यहाँ कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो वो अपनी महारत में है, एक्सपर्ट है, लेकिन वो एक लिमिटेड फील्ड में है। जैसे हैकिंग की बात हम करें तो वो जो हैकर्स होते हैं वो उसी फील्ड में ही महारत रखते हैं, है माहिर है वो लेकिन एक उसी फील्ड के अंदर वो माहिर है। तो ये जो चीज है ये भी इस कंप्यूटर के अंदर ये चीज पाई जाती है आपकी, यानी आप देखेंगे तो लोग आएंगे एक फील्ड में एक्सपर्ट होंगे और वो उसी के साथ चिमटे होंगे, हु आर ग्लूड टू देयर कंप्यूटर, और जो अपने कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं एंड लव नथिंग मोर देन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एन इंटीरियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो सिर्फ ऐसे लोग जो अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं उसी में वो काम करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रोग्रामिंग फील्ड है इंटीरियर जो है वो जो अंदर प्रोग्रामिंग फील्ड है उसके साथ वो उनका कोई कंसर्न नहीं है, वो उसको जानना ही नहीं चाहते, उस तरफ आना ही नहीं चाहते, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, अपने काम में लगे हुए हैं। इधर जो प्रोग्रामिंग में मसाइल आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, उधर नहीं जा रहे। तो ये भी एक कल्चर है, ये भी ऐसे ही काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिस कैरिकेचर वर्क आल्सो विद द स्टीरियोटाइप ऑफ द इंजीनियर्स। अब यहाँ पे वो कहते हैं, अच्छा कैरिकेचर कहते हैं स्टूडेंट्स मोज़ेका खेस, जैसे कोई तस्वीर बना ली जाए ये कैरिकेचर है। तो ये जो काम हो रहा है ये इन स्टीरियोटाइप्स इंजीनियर्स के साथ हो रहा है, यानी ये एक मोज़ेका खेस उनकी शक्ल है। वो इंजीनियर है, अच्छा काम करना जानते हैं लेकिन वो सही नहीं कर रहे, वो चिमटे और अपने काम के साथ है, दूसरी तरफ नहीं जा रहे, तो ये उनका काम जो है वो एक मोज़ेका खेस है। यहाँ पे एस जैसे यहाँ पे वो कहता है कि मेल हु ब्लॉक आउट देयर सोशल एनवायरनमेंट। अब जैसे ब्लॉक आउट का मतलब होता है रोक देना। अब ऐसे लोग, ऐसे बंदे मेल हैं जो सोशल एनवायरनमेंट के खिलाफ काम कर, और क्या काम कर रहे हैं,
परफॉर्मिंग टेक्निकल चैलेंज टू सोशल इंटरेक्शन, और जितनी भी सोशल इंटरेक्शन हो रही है उनके साथ वो चैलेंजिंग वर्क काम कर रहे हैं, यानी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए चैलेंज बन सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ऐसे काम वो कर रहे हैं। अब ये भी एक कल्चर है, ये उनका अपना अपना तरीके का काम है, लेकिन दूसरी तरफ लोग अपने अपने कामों में, जैसे यहाँ उन्होंने प्रोग्रामिंग की बात की है, प्रोग्रामिंग बहुत वसी फील्ड है, उसमें आप प्रोग्रामिंग है ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ना, उसमें मसाले हैं, लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं, काम किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए भी एक कल्चर है, कंप्यूटिंग के लिए भी एक कल्चर पाया गया। स्टूडेंट्स मजीद, हाउएवर देयर आर नॉट दीज स्टीरियोटाइप accurately depict the culture of the computing seems arguable. Students, बहुत अहम है depict का मतलब अक्कासी करना, और स्टीरियोटाइप मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसी चीज जो लिमिटेड हो, आम हो, लेकिन अपने ही हिसाब, अपने ही दायरे के अंदर हो। जैसे यहाँ हैकिंग की बात हुई कि लोग करते हैं, वो बहुत अच्छा काम भी करना जानते हैं, लेकिन वो उसी के साथ जुड़े हुए, उसी के अंदर लगे हुए। तो या कि ये जो स्टीरियोटाइप है एक्यूरेटली क्या किस चीज की इक्कासी कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर कोई आर्ग्यू हो सकता है, क्या इस पर कोई आवाज उठा सकता है, ये किसी जो है वो या कन्वेंशन हो रही। अब फॉर वन being used to a computer is not longer a non-social activity. अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक बंदा अपने कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो किस हद तक वो उसी फील्ड में रहेगा, कभी ना कभी तो किसी तरफ जाएगा, और यही लाजमी है कि वो उसी फील्ड को लेके नहीं चल सकता तो वो चले किसी और तरफ भी चलेगा, तो वो कब तक सोशल नॉन सोशल एक्टिविटीज करता रहेगा, क्यों ये ऐसा क्यों है? बिकॉज कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, आपके कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, एंड नाउ अ कॉमन व्हीकल फॉर इंस्टेंट सोशल इंटरेक्शन, और ये एक एक कॉमन सी चीज बन चुकी है आपकी सोशल इंटरेक्शन की हो रही है, तो फिर आप एक ही फील्ड में नहीं रह सकते, आप दूसरी तरफ भी लाजमी तौर पर जाएंगे। As mentioned earlier, जैसे वो कहता है कि पहले में mention किया गया है, computer expert work in such a wide range of job, कि computer के जो लोग हैं computer में काम करने वाले हैं, ये बहुत सारी range में काम करते हैं, कोई एक ही field में काम नहीं करते, and in such a variety of context, the generalization seems doomed to fail. अब यहाँ पे वो ये कहता है कि आपकी जो ये जो लोग हैं, आपके जो मुख्तलिफ fields में काम कर रहे हैं, तो फिर ये जो मुख्तलिफ काम करने का जो ये इख्तलाफ है, दैट जनरलाइजेशन सीम्स टू डूम टू फेल, तो फिर ये एक खास चीज रहना खत्म हो गई है। स्टूडेंट्स डूम का मतलब है, अगर से अजाब को कहते हैं डूम टू फेल, सीम डूम टू फेल, यानी ये चीज खत्म हो रही है, यानी कोई एक काम नहीं है, आम फैल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, एक कल्चर डिवेलप होता जा रहा है, काम फैल रही है, ये चीज बहुत सारे लोग आ चुके हैं, एक माहौल बन चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक 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 एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। तो द पॉइंट ऑफ मेंशनिंग दीज स्टीरियोटाइप्स इज ओनली टू इलस्ट्रेट द आइडिया दैट देयर आर कल्चरल आइडियाज एसोसिएटेड विद कंप्यूटिंग। स्टूडेंट यहाँ पे उसने कहा है कि जो हम ये स्टीरियोटाइप्स की जो बात करते हैं, यहाँ इज ओनली टू इलस्ट्रेट, यहाँ सिर्फ हम इस आइडिया की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं, दैट देयर आर कल्चरल आइडियाज एसोसिएटेड विद कंप्यूटिंग, कि आपके पास सकाफती नजरियात है, सकाफती नजरिया पाया जाता है आपका इस कंप्यूटर के साथ जो रिलेट, यानी आप स्टूडेंट ये आपका माइक ऑन है, आप प्लीज अपने माइक को ऑफ रखा करें, ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और ये कॉलेज में चला जाना है,
काइंडली प्लीज, ये लफ्ज बहुत बुरे हैं और आप लोगों से इनकी तवक्को नहीं होनी चाहिए। आप माशाल्लाह अब बहुत डिफरेंट हैं दूसरे आम लोगों से, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों से अवॉइड किया करें और अपने माइक को स्पेशली ऑफ रखा करें, ये आपका लेक्चर कार्ड हो रहा है। तो बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स, ये हम जब इस स्टीरियोटाइप की बात करते हैं तो ये अब ऐसे है कि जैसे ये चीजें अब एक कंप्यूटिंग की सोसाइटी के साथ जुड़ती जा रही है। बेशक एक बंदा अपने ही काम में लगा हुआ है, लेकिन वो एक कंप्यूटिंग का काम है तो सही, और उसके साथ उसका तल्लक है। इंडीड, वन फॉर्म ऑफ एक्शन दैट कंप्यूटर प्रोफेशनल कुड कलेक्टिवली अंडरटेक वुड बी अ चेंज द कल्चर तो या इन द फील्ड। तो स्टूडेंट, एक बंदा जिसने जो भी काम कंप्यूटर से कंप्यूटर के फील्ड में कर रहा है, उसने अडॉप्ट किया काम करने के लिए, यकीनी तौर पे वो कल्चर को चेंज करता जा रहा है, यानी वो नई नई चीजें, नई नई काम जो है कंप्यूटर के इस कल्चर में आते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से या कंप्यूटिंग का भी कल्चर ही है, या एक बकायदा इसकी सकाफत है, एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक माहौल है जिसमें काम हो रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे इसका कोई कल्चर नहीं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्यूटिंग को देखा कि ये कंप्यूटिंग जो है ये हमारी क्या एज ए प्रोफेशन हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो डिफरेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास जैसे आपने देखा ऑटोनॉमी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स है, और लास्ट पे हमने देखा कल्चर को। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो हमारा जो कंप्यूटिंग है ये भी एक प्रोफेशन है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप उससे।